उसका नाम क्या है, गुल्लू है। अभी इसके 60% आए हैं, है ना, 60% के लेवल पे खड़ा हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि 95% स्कोर करे। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, उसको पहले बैठना होगा, ठंडे दिमाग से सोचना होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, चैंटिंग चैनक्य एकेडमी की फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 CBSE एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्लानिंग। तो आइए समझते हैं प्लानिंग क्या होता है। लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन फर्स्ट। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग क्या कहलाता है, हमको क्या करना है। वी वॉन्ट टू स्कोर 95% मार्क्स, दिस इज वॉट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करेंगे हम इसको। वी विल सॉल्व लॉट ऑफ सैम्पल पेपर्स, वी विल गो टू द कोचिंग्स एंड वी विल स्टडी फॉर 10 hours और 8 hours। तो ये क्या हो गया, हाउ इट इज टू बी डन। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, वैन इट इज टू बी डन। भाई 2022 में ही 95% लेके आने हैं या 2024 तक लेके आने हैं, तो ये भी आपको डिसाइड करना जरूरी है कि वैन इट इज टू बी डन। इसके बिना प्लानिंग क्या है, अधूरी है। आगे आते हैं, इट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो। प्लानिंग ही वो चीज़ है जो हम जहाँ पर खड़े हैं और जहाँ पर जाना चाहते हैं उन दोनों के बीच की दूरी को क्या करती है, कम करती है, ब्रिज का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बॉय नेम गुल्लू, उसका नाम क्या है, गुल्लू है। अभी इसके 60% आए हैं, है ना, 60% के लेवल पे खड़ा हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि 95% स्कोर करे। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, उसको पहले बैठना होगा, ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द टूल्स, व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द टेक्निक्स सो दैट आई कैन स्कोर 95% मार्क्स। तो जैसे ही इसने सोचा तो उसे पता चला कि हाँ भाई, एग्जाम से पहले रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, मैं रिवीजन करूँगा, मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाऊँगा, मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊँगा, मैं रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करूँगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं क्रैश कोर्स भी करूँगा। ये क्या होता है, हमारा प्लानिंग का ही पार्ट था सारा। और अगर ये बहुत अच्छे से होता है तो नो वन कैन स्टॉप गुल्लू फ्रॉम स्कोरिंग 95% मार्क्स, बिकॉज उसने बहुत सॉलिड प्लानिंग की है। क्लियर है। अब हम आते हैं क्या फीचर्स ऑफ प्लानिंग देखते हैं। सबसे पहला फीचर होता है हमारा प्लानिंग का, दैट इज कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे, पहले हम ये समझ लेते हैं, व्हाट डू वी वांट टू डू इन आवर लाइफ, और हमको क्या करना है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, या हमारा टारगेट बोल दो उसके, या फिर क्या बोल दो, गोल बोल दो। तो ये होते हैं हमारे क्या, ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग स्टार्ट्स विद डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, टर्नओवर ऑफ 100 करोड़, हमको 100 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, नया मार्केट चाहिए हमको, नए नए कस्टमर्स चाहिए, ये सब क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। भाई अगर आपने लाइफ में ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किया है, गोल ही सेट नहीं किया है, देन व्हाट विल हैपन, यू विल कीप मूविंग हियर एंड देयर एंड हियर एंड देयर एंड हियर एंड देयर एंड यू विल गो नोवेयर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव आपको डिसाइड करने होंगे, सबसे पहला काम है प्लानिंग का। ओके, आगे आते हमारा क्या, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है हमारा प्लानिंग का, सॉरी, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन हमारा क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग के बिना सारी चीज़ें क्या है, अधूरी हैं। चाहे वो कंट्रोल हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो स्टाफिंग हो, या फिर कोई अदर फंक्शन हो मैनेजमेंट का, सारे के सारे किसके बाद आते हैं, प्लानिंग के बाद आते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद ही तो कंट्रोल होगा, उसी के बाद ही तो कोऑर्डिनेशन होगा। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 3। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग कैसा होता है, परवेसिव होता है। जस्ट लाइक द ऑक्सीजन इज एवरीवेयर एंड प्लानिंग ऑल्सो एग्जिस्ट एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट के हर लेवल पे होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो बॉटम लेवल हो। टॉप लेवल क्या करता है, पॉलिसीज डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। मिडिल लेवल क्या करता है, उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराने का काम करता है कि आज हमको कितना प्रोडक्शन करवाना है, ये मिडिल लेवल ने डिसाइड कर दिया। अब बॉटम लेवल क्या करता है कि भाई इन वर्कर्स से हमें कैसे डील करना है, कितने वर्कर्स चाहिए। ये क्या हो गया, सारे के सारे लेवल्स पे प्लानिंग यहाँ पे हो रहा है। और क्या होता है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन प्रिडिक्शंस, एजम्पशंस, सर्वे एट्सेट्रा। जब भी हमको प्लानिंग करनी होती है तो हमें कुछ चीज़ें एज्यूम करनी होती हैं, कुछ सर्वेज करने होते हैं, और क्या करना होता है, कुछ प्रिडिक्शंस सोचने होते हैं, पहले से सोचना होता है कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। दिस इज प्लानिंग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5। प्लानिंग इज कंटिन्यूस। जस्ट लाइक क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग इज ऑल्सो कंटिन्यूस प्रोसेस।
मैनेजमेंट को कभी भी चैन नहीं मिलता है। एक स्टेप हमने पूरा कर लिया, अब अगले स्टेप को हमें क्या करना है, टारगेट करना है, उसके लिए हमको प्लानिंग करना है, ठीक है। या फिर कोई दिक्कतें आ रही हैं, जो भी हमने प्लान किया था उस प्लान में कुछ दिक्कतें आ गई, तो फिर से हमें प्लान करना है कि हाउ टू मेक आर प्रीवियस प्लान सक्सेसफुल। ये क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है ना। आपने पहले क्वार्टरली के लिए प्लान किया, फिर हाफ ईयरली के लिए प्लान किया, फिर आपने एनुअल के लिए प्लान किया, लेटर ऑन यू हैव टू प्लान फॉर योर ग्रेजुएशन, CA, ये सब क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्लानिंग कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और दूसरी बात क्या होती है, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो लगातार चेंज होता रहता है, इट इज़ हाईली वॉलेटाइल नेचर। तो जब चेंजेस हमारे पास आते हैं, हमारे सामने आते हैं, तो हमको भी क्या करना होता है, अपने आप को चेंज करना होता है। तो यही तो चेंज करना ही तो क्या है, प्लानिंग है। आगे आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। अच्छा चलो, इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। आगे आते हैं हम किस पे, 6 पॉइंट पे, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। क्या हर एक बंदा प्लानिंग कर सकता है? आप अपने करियर के लिए हर किसी को छोड़ सकते हो कि मेरे करियर के लिए प्लानिंग कर दो? नो, एवरीबडी कैन नॉट प्लान, है ना। प्लानिंग करने के लिए कुछ खास ही बंदे होते हैं, कुछ खास लोग होते हैं, दोज हु आर हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, बिकॉज प्लानिंग नीड्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, डेटा को स्टडी करना होता है, मार्केट सर्वे करने होते हैं, और क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, कि बहुत सारे टेक्निक्स हैं हमारे पास रिक्रूटमेंट करने की। हमको क्या करना है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है, या फिर क्या करना है, हमें वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करना है, या फिर हमें किसी एजेंसी को कॉन्टेक्ट करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन प्लानिंग में क्या होते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं कि हमको क्या करना है, हमें किसी आउटसाइडर एजेंसी को सिलेक्ट करना है मैन पावर सप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड वॉट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।